हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू टू स्लीपी क्लासेस। आज हमारा डे कौन सा है? ट्यूसडे। तो आज हम क्वेश्चंस करेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस पे। तो पांच क्वेश्चंस, चलो देखते हैं। पहला क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। एक्चुअली ये क्वेश्चन मैंने जानबूझ के दिया है। ये है क्वेश्चन, आपको राइट्स के ग्रुप्स का आइडिया होना चाहिए, और यूपीएससी ने इसी के बेसिस पे एक और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन क्रिएट किया था लास्ट टू लास्ट ईयर। तो आपको इसी क्वेश्चन से आइडिया लग जाएगा उस क्वेश्चन को भी कैसे अटेम्प्ट करना है। देन सेकेंड क्वेश्चन, कल इंडिपेंडेंस डे था और हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने फिर से कहा राइट्स एंड ड्यूटीज। इवन वेरियस सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स लाइक अमित सहनी केस में भी सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा था राइट्स एंड ड्यूटीज के बारे में। तो उसको ध्यान में रखते हुए ये क्वेश्चन है, और ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो हमारे करंट भी कवर हो रहा है और पीवीक्यू भी कवर हो जाते हैं इस क्वेश्चन में। थर्ड क्वेश्चन अबाउट फंडामेंटल राइट्स, तो थोड़े से फंडामेंटल राइट्स के बेसिक्स के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, उस पर क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन, राइट टू प्रोटेस्ट, आजकल न्यूज में इतने प्रोटेस्ट चल रहे होते हैं, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन फ्रेम किया हुआ है, और इसके रिगार्डिंग एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आई थी, तो उस सब को ध्यान में रखते हुए एक क्वेश्चन आपको दिया है। लास्ट क्वेश्चन कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स पे, तो ये भी क्वेश्चन न्यूज में बहुत रहता है। एक्चुअली बहुत मेजोरिटी वर्सेस माइनॉरिटीज की डिबेट चल रही होती है आजकल, कल्चर को प्रोटेक्ट करना देन कैंसल कल्चर, ये सब कॉन्सेप्ट्स न्यूज में चल रहे हैं, तो उससे रिलेटेड कॉन्स्टिट्यूशन में क्या प्रोविजन है, तो हमें आइडिया लग जाएगा इस क्वेश्चन से। तो प्लीज आप ये वीडियो पॉज करो और सॉल्व करिए। ओके फ्रेंड्स, चलो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ फंडामेंटल राइट्स इनकॉर्पोरेट प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी। तो हमें पता है प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी किस में आता है? आर्टिकल 17। तो पहले आपको सारे आर्टिकल्स फंडामेंटल राइट्स के पता होने चाहिए, आर्टिकल 12 से लेके 35 तक सारे पता होने चाहिए आपको, उसमें कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं, बिकॉज आप ये मेंस में भी यूज कर सकते हो डायरेक्टली। ये सपोज इंट्रोडक्शन देनी है, कंक्लूजन देनी है, या एग्जांपल देना है, तो आप कहीं भी यूज कर सकते हो। एंड दिस इज एज अ फॉर्म ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। तो ये कौन से फंडामेंटल राइट में इनकॉर्पोरेट है? अब आप देखोगे फंडामेंटल राइट्स को 6 ग्रुप्स में डिवाइड किया हुआ है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, और उन 6 ग्रुप्स के अंडर हमने कुछ आर्टिकल्स ऐड कर रखे हैं। तो जैसे देखो ग्रुप्स, ये एनसीईआरटी का, ये भी एनसीईआरटी में मेंशन है, ये भी एनसीईआरटी में, तो ये एक मुझे एक अच्छी फिगर मिली थी। तो हम पहले बोलते हैं राइट टू इक्वालिटी, उसमें क्या आता है आर्टिकल 14-18 कवर्ड है, तो उसी में क्या कवर्ड है? आप देखो 14, 15, 16, 17 क्या बोलता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, और यही हमारी क्वेश्चन में मेंशन है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अनटचेबिलिटी, वो किसका पार्ट है? राइट टू इक्वालिटी। अब देखो ऑप्शंस में हमें लग रहा था शायद अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन और फ्रीडम, ये भी हो सकता है, पर ये बोला था ग्रुप ऑफ फंडामेंटल राइट्स को, तो इसमें ध्यान रख के क्वेश्चन बनाया था। ऐसे राइट टू फ्रीडम में कौन से आर्टिकल्स आते हैं? 19-22। फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में आते हैं 23-24 आर्टिकल्स। फिर राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन में 25-28 आर्टिकल्स। फिर कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, ये आते हैं 29-30 आर्टिकल। देन लास्टली राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमिडीज, ये क्या हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था। तो ये 5 राइट्स आते हैं इसके अंडर। तो आप ये कॉम्प्रिहेंसिवली आर्टिकल्स याद करना प्लीज, राइट, और क्वेश्चन यही आएगा। जैसे एक बार यूपीएससी ने पीवीक्यू क्या पूछा था, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, उसमें क्या था आर्टिकल 23-24 मेंशन था, और 2 आर्टिकल्स और मेंशन थे 17 और 16। तो पूछा था राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन में कौन कौन से आर्टिकल्स कवर होते हैं, या कौन से फंडामेंटल राइट्स कवर होते हैं, तो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। तो सिमिलर लाइंस पे था ये, राइट, आई होप ये क्वेश्चन आपको आता है, तो आप ये रीड कर सकते हो, राइट। और एक ध्यान में रखना, अनटचेबिलिटी के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को एम्पावर किया कि लॉ बनाओ और लॉ के थ्रू अनटचेबिलिटी अबॉलिश करो। तो हमने कौन सा लॉ लेके आए थे? अनटचेबिलिटी ऑफेंसेस एक्ट 1955, उसको हमने रीनेम कर दिया प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, जिसे PCRA एक्ट भी बोलते हैं, 1955। तो ये ध्यान में रखना बस, राइट। और अनटचेबिलिटी डिफाइंड नहीं है, एक और ये फैक्ट भी ध्यान रखना, दिस हैज नॉट बीन डिफाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन और इन द एक्ट, इस एक्ट में भी रादर हम कैसे डिफाइन करते हैं, हाईकोर्ट की जजमेंट थी। तो प्लीज वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ डेफिनेशन ऑफ द अनटचेबिलिटी, ये आपका इंटरव्यू का भी क्वेश्चन बन सकता है, तो प्लीज आप वीडियो पॉज करो और मुझे बताओ इसका आंसर। ओके, इसका आंसर क्या है? हाईकोर्ट जजमेंट ने क्या कहा था कि सोशल डिसेबिलिटी इम्पोज
बाय वर्च्यू ऑफ बर्थ। आपने किसी पे डिसेबिलिटी इंपोज कर दी, सोशल डिसेबिलिटी, किस बेसिस पे, वो कहां पे पैदा हुआ उसके बेसिस पे, उसको हम क्या बोलते हैं, अनटचेबिलिटी। तो आपको ये डेफिनेशन क्लियर होनी चाहिए, इंटरव्यू में भी पूछ सकते हैं, मेंस में भी लिख सकते हो, और यूपीएससी प्री में भी पूछ सकती है कि ये डेफिनेशन कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में डिफाइंड है या नहीं है। ये नहीं है, हाईकोर्ट की जजमेंट के थ्रू ये डेफिनेशन मिली हमें। ओके, तो आप ये देख सकते हो। ओके, सेकंड क्वेश्चन क्या बोलते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन राइट्स एंड ड्यूटीज। तो देखो, पहला ऑप्शन ये न्यूज में बहुत चल रहा है, राइट्स आर कोरिलेटिव विद ड्यूटीज। इसका मतलब क्या है, अगर आप राइट्स परफॉर्म करना चाहते हो तो आपको ड्यूटीज भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। राइट्स की डिमांड करो, ड्यूटीज भी परफॉर्म करो। लाइक सपोज, अगर आपकी राइट क्या, आप बोल रहे हो क्लीन एनवायरनमेंट, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट, प्लीज बताओ मुझे कौन से आर्टिकल में आता है, वीडियो पॉज करके। ओके, राइट टू क्लीन एनवायरनमेंट हम डिमांड करते हैं, पर हमारी ड्यूटी के साथ में क्या है, हमें कॉन्ट्रीब्यूट करना चाहिए स्वच्छ भारत अभियान में भी, ताकि हम गंदगी ना फैलाए, रैपर्स ना फेंके, वाटर वेस्ट ना करे, एनिमल्स को ना मारे। तो ये हमारी भी ड्यूटी बनती है। तो राइट्स डिमांड करो पर ड्यूटी भी परफॉर्म करो। तो ये है, तो ऐसी एक और राइट है जैसे आजकल हम डिमांड करते हैं, राइट टू प्रोटेस्ट। ठीक है, प्रोटेस्ट करो, आपको गवर्नमेंट के अगेंस्ट कुछ भी अगर है, आपको गवर्नमेंट की पॉलिसी पसंद नहीं आ रही है, प्रोटेस्ट करो, पर उस प्रोटेस्ट से दूसरों को इफेक्ट नहीं होना चाहिए। तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, उसको ध्यान रखना कि अगर वो प्रोटेस्ट करे तो मेरी राइट ना वायलेट हो, तो ड्यूटी उसे भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। तो ऑब्वियसली बेस्ट आंसर क्या इसका, ए। अब देखो थर्ड सेकेंड ऑप्शन क्या बोलते हैं, राइट्स आर पर्सनल, हेंस इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी एंड ड्यूटीज। नो, राइट्स आर नॉट, राइट्स आर डेफिनेटली पर्सनल, मेरी पर्सनल ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है, बट नॉट इंडिपेंडेंट ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी पे डिपेंडेंट भी है। तभी आर्टिकल 19 में क्या बोलते हैं, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस, राइट। तो ड्यूटीज का भी ध्यान में रखना है। ऐसी आते राइट्स नॉट ड्यूटीज आर इंपॉर्टेंट फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द पर्सनैलिटी ऑफ द सिटीजन। नो, राइट्स के साथ साथ ड्यूटीज भी जरूरी है हमारी ग्रोथ के लिए। ऐसे ही ड्यूटीज नॉट राइट्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द स्टेबिलिटी ऑफ द स्टेट। ड्यूटीज के साथ साथ राइट भी जरूरी है, बिकॉज हमने पिछली बार क्वेश्चन देखा था, राइट्स क्या कर रहे हैं, रिस्ट्रिक्शन भी इम्पोज कर रहे हैं स्टेट पे, इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिटीजन्स और पब्लिक। तो राइट्स भी जरूरी है, ड्यूटीज भी जरूरी है, तभी ग्रोथ हो सकती है। तो ऐसे देखो, यूपीएससी ने करंट से बेस क्वेश्चन फ्रेम किया था, पर आपको ये सारी इसकी रीजनिंग क्लियर होनी चाहिए। तो ये एक्सप्लेनेशन पार्ट है जो मैंने एक्सप्लेन किया है, तो आप देख सकते हो। जैसे मैंने कल भी कहा था, हमारे गांधी जी ने कहा था कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। सो बेसिकली व्हाट ही सेड, रियल राइट्स आर द रिजल्ट ऑफ द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो एवरी राइट हैज द कॉरेस्पॉन्डिंग ड्यूटी, तो ये ध्यान में रखना। तो सिटीजन के पास राइट्स एंड ड्यूटीज दोनों है। और मुझे ये भी बताओ, ड्यूटीज हमने कब ऐड की थी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, राइट। हमारी देखो कैसे डिवीजन हो रही है, तो प्लीज वीडियो पॉज करके कमेंट सेक्शन में बताओ। पर एक चीज ध्यान रखना, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी ने कहा था, अभी हमारी गवर्नमेंट क्या बोल रही है, राइट्स एंड ड्यूटीज को हैंड इन हैंड, पर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कहा था कि हम ड्यूटी सिटीजन्स की कोई नहीं बोल सकते, ड्यूटीज स्टेट को भी परफॉर्म करनी पड़ेगी। अगर स्टेट ड्यूटीज परफॉर्म करेगी तभी सिटीजन्स बोलेंगे कि हाँ हमारी राइट्स हो रही है, मिल रही है हमें, तो हमें भी ड्यूटीज परफॉर्म करनी चाहिए। तो ये आप आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हो आंसर्स में, राइट, कि ड्यूटीज तो हम परफॉर्म करेंगे सिटीजन्स, पर अगर स्टेट है तो स्टेट को भी परफॉर्म करनी पड़ेगी, जब वो करेगी तभी हमारा बनता है करना, राइट। सो बेसिकली डिबेट शुड बी अराउंड दैट इट शुड इंक्लूड ड्यूटीज ऑफ दोज विद पावर ऑल्सो। जब आप आईएएस ऑफिसर बनोगे तो आपकी भी ड्यूटी होगी, आप परफॉर्म करो, अकाउंटेबल हो, ट्रांसपेरेंट हो, राइट, इंटेग्रिटी इंटैक्ट रखो, तो आपकी भी ड्यूटी है, ना कि आप बोल सकते हो सिटीजन्स को कि ड्यूटीज परफॉर्म करो। तो आप ये रीड कर सकते हो, राइट। ओके, थर्ड क्वेश्चन क्या बोलता है, थर्ड क्वेश्चन बेसिकली आपने देखा है फंडामेंटल राइट्स, कुछ फंडामेंटल राइट्स एब्सोल्यूट है, कुछ क्वालिफाइड है, तो उसको बेसिस पे एक क्वेश्चन फ्रेम किया ताकि आपको थोड़ा आइडिया लग जाए। देखो अब ये क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज, न्यूज में कोऑपरेटिव सोसाइटीज, अब वो क्या बोल रहा है, इज एन एब्सोल्यूट राइट। तो मुझे प्लीज बताना कोऑपरेटिव सोसाइटीज कौन से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट में अभी न्यूज में था, विद सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, तो आपको आइडिया होना चाहिए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स की भी। तो मुझे बताओ कौन से सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई भी रिसेंटली लास्ट वन ईयर में, जिसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी से रिलेटेड था। ओके, अब ये क्या बोल रहे हैं, फ्रीडम टू फॉर्म कोऑपरेटिव सोसाइटीज इज एन एब्सोल्यूट राइट। नो, इट इज नॉट एब्सोल्यूट, रादर इट इज अ क्वालिफाइड राइट। क्वालिफाइड मींस अब राइट्स आप एक्सरसाइज कर रहे हो पर रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के साथ आ रही है। वो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस क्या है,
देखो फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन है आर्टिकल 19 में, उसमें रिस्ट्रिक्शंस क्या मेंशन है कि आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर्म करो या एसोसिएशंस फॉर्म करो, पर आपने सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ इंडिया का ध्यान रखना है, पब्लिक ऑर्डर का एंड मोरालिटी का। तो ये तीन ऑर्डर्स है जो आपको रिस्ट्रिक्शंस का ध्यान रखना है, फिर आप फॉर्म कर सकते हो कोऑपरेटिव सोसाइटीज, कोई भी फॉर्म कर सकता है, कोई और कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो इसलिए क्या क्वालिफाइड राइट्स है, ऐसी अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी इज अ क्वालिफाइड राइट? नो, इट इज अ एब्सोल्यूट राइट। आप इस पे कोई सेक्शन लगी नहीं सकती, कोई भी आप एक्सक्यूज नहीं मार सकते कि आपने अनटचेबिलिटी को लेके प्रैक्टिस क्यों की या किसी को मतलब उसकी डिग्निटी को हर्ट क्यों किया। इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं, अगर आप किसी की डिग्निटी को हर्ट कर रहे हो ऑन द बेसिस ऑफ अनटचेबिलिटी तो मतलब आपने कोई राइट वायोलेट की है उसकी, उसमें कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। तो ये क्या होना चाहिए? एब्सोल्यूट। मैंने क्या किया था, बस वो टर्म स्विच कर दी थी एब्सोल्यूट क्वालिफाइड। तो आंसर क्या गया सर? डी, नीदर वन नॉट टू। ओके, सो बेसिकली एब्सोल्यूट राइट्स आर राइट्स व्हिच कैन नॉट बी लिमिटेड इन एनी वे, तो ये ध्यान में रखना। ओके, तो ये क्वेश्चन, ये बेसिकली एडिशनल इंफॉर्मेशन है राइट टू फॉर्म एसोसिएशन में कि कौन कौन सी एसोसिएशंस, हम जैसे आप गवर्नमेंट ऑफिसर बनोगे आप एसोसिएशंस कुछ फॉर्म कर सकते हो, नहीं कर सकते कुछ फॉर्म, तो उसमें भी आपकी रिस्ट्रिक्शंस आएंगी। तो उसमें क्या आएगा? सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी के बेसिस पे आएगा, पब्लिक ऑर्डर के बेसिस पे या मोरालिटी के बेसिस पे गवर्नमेंट आपको रिस्ट्रिक्ट कर सकती है। लाइक आईएएस ऑफिसर्स आप सब मिलकर यूनियन बना रहे हो तो गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्ट कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है। तो उसको ध्यान में रखते मैंने आपको थोड़ी एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी है, राइट? तो आप ये रीड कर सकते हो। ओके, फोर्थ क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं? राइट टू प्रोटेस्ट। अब ये न्यूज में चल रहा है राइट टू प्रोटेस्ट, तो इसको रिलेटेड क्वेश्चन देखो, एक ध्यान में रखना, ये प्रोटेस्ट बोल रहा है, एक होता है राइट टू स्ट्राइक। तो मुझे बताओ कॉन्स्टिट्यूशन क्या अलाउ करता है? राइट टू स्ट्राइक अलाउ करता है, राइट टू प्रोटेस्ट अलाउ करता है, या दोनों ही अलाउ करता है? ये प्लीज मुझे बताओ वीडियो पॉज करके। ओके, तो राइट टू प्रोटेस्ट क्या है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन है आर्टिकल 19 में कि राइट टू प्रोटेस्ट इज लीगली अलाउड, राइट? फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट इज कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, फर्स्ट करेक्ट है। सेकंड, रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 में मेंशन है, पर इसमें ध्यान रखना मैंने क्या लिखा है, इट कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ओनली, पर और भी ऑर्डर्स और भी रिस्ट्रिक्शंस है, नॉट जस्ट पब्लिक ऑर्डर, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, मोरालिटी, और भी रीजंस है कि पब्लिक को अफेक्ट नहीं होना चाहिए, देन नेशनल सिक्योरिटी का ध्यान रखना है। तो ऐसे और भी फैक्टर्स हैं जो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस लगाते हैं, तो इट्स नॉट जस्ट ओनली, इसके बेसिस पे ये ऑप्शन रॉन्ग हो गया। अदरवाइज ये दो ऑप्शंस सही है, पब्लिक ऑर्डर एंड सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, इसके बेसिस पे भी रिस्ट्रिक्शंस हम लगा सकते हैं, पर ये ओनली नहीं है, और भी फैक्टर्स है, तो इसलिए सेकेंड ऑप्शन गलत हो गया। तो अब उससे आप देख सकते हो, अगर सेकेंड गलत हो गया तो हमारा ऑप्शन क्या बच गया? ए एंड सी बच गया। तो वन तो करेक्ट है ही है, वन वैसे भी करेक्ट है, देखो चारों ऑप्शन में वन थे। तो अब क्या रहेगा, हमें चेक करना है थ्री करेक्ट है या नहीं है। अब देखो, अभी रिसेंटली एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई थी, राइट? सुप्रीम कोर्ट का केस कौन सा था? अमित सहनी केस। ये बेसिकली केस था जो अभी शाहीन बाग में जो प्रोटेस्ट चल रही थी रिगार्डिंग कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2019 को लेके। तो उसमें क्या था, बेसिकली उन्होंने रोड ब्लॉक कर रखी थी और वो इनडेफिनेटली रोड ब्लॉक थी। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है, आप करो, आपको प्रोटेस्ट करना है करो, पर उससे पब्लिक ऑर्डर इफेक्ट नहीं होना चाहिए, लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होनी चाहिए। तो उन्होंने क्या कहा, आप रोड ब्लॉक करो तो उसकी वजह से क्या हो रहा है, आपकी राइट्स है पर ड्यूटीज भी परफॉर्म करो, आपके दूसरे की राइट वायोलेट कर रहे हो। तो उन्होंने क्या कहा कि राइट टू प्रोटेस्ट कैन नॉट बी ग्राउंड फॉर ऑक्यूपाइंग पब्लिक प्लेसेस फॉर इनडेफिनेट पीरियड। तो केस थर्ड स्टेटमेंट इज राइट। और साथ में फिर से सुप्रीम कोर्ट जजमेंट ने कहा कि राइट्स एंड ड्यूटीज गो हैंड इन हैंड। तो इसको ध्यान में रखते ये क्वेश्चन फ्रेम करा गया और ये सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी। तो आंसर क्या हो गया, 1 in 3। तो आप देख सकते हो राइट टू प्रोटेस्ट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट। और कौन, अब इसमें यूपीएससी ऐसे भी फ्रेम कर सकती है कि राइट टू प्रोटेस्ट कौन कौन से आर्टिकल्स में कवर्ड है। तो एक तो ए में कवर्ड है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, बी असेंबल में, एंड सी एसोसिएशन। तो ये तीन आर्टिकल्स 19 के इस तीनों में कवर्ड है ये। तो प्लीज ये ध्यान में रखना, सिर्फ राइट टू प्रोटेस्ट सिर्फ फ्रीडम स्पीच और स्पीच एंड एक्सप्रेशन रिलेटेड नहीं है, बाकी ए बी सी में भी कवर कर सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आ सकता है, राइट टू प्रोटेस्ट इज इम्प्लिसिटली डिराइव फ्रॉम विच ऑल आर्टिकल्स, आर्टिकल 19(1) क्लॉज ए, आर्टिकल 19(1) क्लॉज बी, आर्टिकल 19(1) क्लॉज सी, ऐसे ऐसे भी यूपीएससी फ्रेम कर सकती है क्वेश्चन। तो ध्यान में रखना, ये तीनों मिलकर राइट टू प्रोटेस्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली जजमेंट दी थी फार्म लॉज को लेके भी एंड शाहीन बाग को भी लेके।
तो शाहीन बाग वाला केस को बोलते हैं अमित साहनी केस। तो उसने क्या कहा था, यूपी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि दे हैव द राइट टू पीसफुल प्रोटेस्ट बट दे कैन नॉट ऑक्यूपाई द पब्लिक स्पेसेस इनडेफिनेटली। ये ध्यान में रखना, राइट। और ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस कौन कौन सी है, वो वहां पे मैंने ओनली टर्म यूज किया था, पर उसके अलावा और भी है, सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, सॉवरेनिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द इंडिया, देन फ्रेंडली रिलेशंस विद द फॉरेन स्टेट्स, वायलेशन ऑफ पब्लिक ऑर्डर, देन डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफामेशन और इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस। तो ये सारे रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है, तो प्लीज ध्यान में रखना ये। ओके, लास्ट क्वेश्चन क्या बोल रहे, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है, न्यूज में था। अब देखो कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, अब हम ये ध्यान नहीं देते, पर ये सिर्फ सिटीजन्स को अवेलेबल है, ना कि फॉरनर्स को, ये ध्यान में रखना, फर्स्ट फैक्ट। तो फर्स्ट पॉइंट इज राइट। देन सेकेंड, बोथ लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटी जो आइडेंटिफाई करते हैं हम इसके अंडर, वो स्टेट लेवल पे करते हैं, सेंट्रल लेवल पे। तो इसमें क्या है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज हम आइडेंटिफाई करते हैं स्टेट लेवल पे, और जो रिलीजियस माइनॉरिटीज है वो सेंट्रल गवर्नमेंट आइडेंटिफाई करते हैं, दैट मीन सेंट्रल लेवल पे। तो प्लीज इसको ध्यान में रखना, और ये ऑप्शन गलत है। तो अब आपको नया फैक्ट पता चला, राइट। और एक और ध्यान में रखना, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लिंग्विस्टिक एंड रिलीजियस माइनॉरिटीज ही आइडेंटिफाई करता है, नॉट एथनिक। तो ये भी एक क्वेश्चन आ सकते हैं कि विच ऑल माइनॉरिटीज आर आइडेंटिफाइड बाई द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, लिंग्विस्टिक, रिलीजियस एंड एथनिक। तो पहले दो सही होंगे, तीसरा गलत होगा। और ऐसी थर्ड, ये सिंपल ऑप्शन था, आर्टिकल 29 में क्या मेंशन है कि कोई भी अपना कल्चर प्रोटेक्ट कर सकते हैं। तो उसमें कुछ नहीं मेंशन माइनॉरिटी और मेजॉरिटी, तो कोई भी, मैं और आप मिलकर भी हमारा कल्चर है तो प्रोटेक्ट कर सकते हैं, या 1 करोड़ लोग भी मिलकर कर सकते हैं। तो मेजॉरिटी एंड माइनॉरिटी दोनों को अलाउड है। तो आंसर क्या गया, 1 एंड 3, राइट। तो आप ये एक्सप्लेनेशन पार्ट रीड कर सकते हो। और इसमें भी जैसे अनटचेबिलिटी कॉन्स्टिट्यूशन में डिफाइंड नहीं है, ऐसी माइनॉरिटी टर्म कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में डिफाइंड नहीं है, तो ये ध्यान में रखना। ये कौन डिफाइन करता है, अब अनटचेबिलिटी एक्ट के थ्रू भी डिफाइंड नहीं है, किसके थ्रू है, सुप्रीम कोर्ट जज, हाई कोर्ट जजमेंट के थ्रू। पर माइनॉरिटी जो एक्ट है, एक नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटीज एक्ट 1992, उसमें डिफाइंड है कि माइनॉरिटीज कौन होते हैं। सो दीज आर द कम्युनिटीज नोटिफाइड एज सच बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, तो ये ध्यान में रखना बस। ओके फ्रेंड्स, लास्टली अब हम लेके आ रहे हैं प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज 2023। अब आपको आइडिया लग रहा है प्रीमिक्स के क्वेश्चंस कैसे हैं, 5 क्वेश्चंस, यही इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे हमारी टेस्ट सीरीज में। मैं ही रिस्पॉन्सिबल लूंगा टेस्ट सीरीज के क्वेश्चंस बनाने में, सेम लेवल ऑफ क्वालिटी, डिफिकल्टी लेवल, कॉन्सेप्चुअल, फैक्चुअल, हर चीज कवर होगी, हर तरह के पैटर्न कवर होंगे क्वेश्चंस में, पेयरिंग बेस्ड, मल्टी स्टेटमेंट, मल्टी ऑप्शंस, हर चीज कवर होगी। तो आप हमारे साइट पे जा सकते हो और देख सकते हो पूरे सिलेबस कैसे चलेंगे। टोटल 30 टेस्ट होंगे और 3 लेवल ऑफ टेस्ट होंगे। पहले बेसिक्स हम कवर करेंगे, या जिनको हम बोलते हैं फंडामेंटल टेस्ट, तो वो क्या कन्फाइंड होंगे सिर्फ हमारे स्टैंडर्ड सोर्सेज से। फिर हम सेकंड लेवल ऑफ टेस्ट हम मूव करेंगे एडवांस लेवल, इसमें हर सब्जेक्ट कवर होगा, हर सब्जेक्ट का 1 टेस्ट होगा, और इसमें क्या सोर्सेज एक्सपैंड होते रहेंगे, जैसे यूपीएससी फ्रेम कर रहा है, अब आउट ऑफ सोर्सेज पूछ रहे हैं, पर आपको कन्फाइंड रहना है स्टैंडर्ड सोर्सेज में। फिर लास्ट लेवल ऑफ टेस्ट क्या होगी, फुल लेंथ टेस्ट, पूरा सिलेबस कवर टेस्ट होगा, जो अराउंड 10 टेस्ट होंगे। तो ये चलेंगे, और बीच में ही फंडामेंटल टेस्ट में हम कैसे रखेंगे, बीच में हमने 3 रिवीजन टेस्ट रखे हैं, ताकि जो पहले हमारे टेस्ट हो चुके हैं, सपोज 1, 2, 3 टेस्ट हो गए, उन तीनों टेस्ट के सिलेबस का एक रिविजन टेस्ट हो गया, 4th टेस्ट, फिर 5, 6, 7 हो गया, फिर 8th टेस्ट होगा, 5, 6, 7 के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। तो रिविजन टेस्ट ऐसे चलेगा, ताकि आपका पुराना सिलेबस भी साथ में चलता रहे, रिविजन भी होता रहे। तो इसको ध्यान में रखते हमने क्वेश्चंस फ्रेम किए, तो आपके क्या बेस प्रीमिक्स में सेट हो रहे हैं, फिर आपका नेक्स्ट लेवल ऑफ टेस्ट होंगे प्रीलिम्स के। तो आप हमारी पोर्टल पे जाओ, रजिस्टर करो, आपको डिस्काउंट मिलेगा, 15 AOG कोड यूज करो, आपको हमारी टेस्ट सीरीज कॉस्ट के 4500, आपको 1000 रुपीज डिस्काउंट मिल जाएगा अभी, 3500 प्लस। आप हमारा फर्स्ट टेस्ट, हमने ओपन टेस्ट रखा है, कोई भी सॉल्व कर सकता है, आप सॉल्व करो और आपको आइडिया लग जाएगा किस लेवल का टेस्ट आने वाला है, राइट। ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सेशन हेल्पफुल था, कोई डाउट कुछ भी प्लीज कमेंट सेक्शन में बताओ, और प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, जो भी मैं बोलता हूँ कि वीडियो पॉज करो, प्लीज पॉज करके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, तभी इंटरेक्टिव सेशन चलता रहेगा और तभी मजा आएगा, ताकि बाकी स्टूडेंट्स भी सीख पाए अच्छे से कि क्या सही आंसर था। ओके थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, आई होप दिस सेशन वॉज हेल्पफुल, एंड प्लीज हैव अ नाइस डे अहेड, थैंक यू।